नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। आईएनएक्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में चिदंबरम कुछ ऐसे फंसे हैं कि और फंसते ही चले जा रहे हैं, जैसे उनके लिए ये केस किसी दलदल जैसा हो गया है जिसमें धसे चले जा रहे हैं लेकिन बाहर निकलना नामुमकिन सा लगता है। तभी तो भ्रष्टाचार के आरोप के साथ साथ अब एक और आरोप चिदंबरम पर लग रहा है और वो है विदेशों में संपत्ति खरीदने का आरोप। ईडी का कहना है कि केस के सह आरोपियों के साथ कांग्रेस नेता विदेशों में संपत्ति को बेचने और विदेशी बैंक खातों को बंद करने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ कर रहे हैं। ईडी ने कहा, आरोपी के खिलाफ हमारे पास मजबूत केस है और इस आधार पर बेल याचिका का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी चिदंबरम की अग्रिम जमानत का विरोध करने के लिए ईडी के पास और भी कई सबूत हैं। वो ये कि संपत्ति से छेड़छाड़ के अलावा मामले में गवाहों को भी प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, साथ ही पूछताछ में भी सहयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि चिदंबरम के वकीलों के मुताबिक वो पूछताछ में पूरा पूरा सहयोग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम मामले की जांच के लिए कस्टडी बढ़ाने की मांग करते हुए ईडी ने एक एफिडेविट दायर किया है, जिसके मुताबिक चिदंबरम और मामले में उनके और बाकी साथियों ने अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, ब्रिटिश वर्जिन आयलैंड, फ्रांस, ग्रीस, मलेशिया, मोनाको, फिलीपींस, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, स्पेन और श्रीलंका में संपत्ति भी बनाई और बैंक अकाउंट्स भी खोले और फर्जी कंपनियों के जरिए इन देशों के बैंक खातों में लेन देन का काम किया। मामले को लेकर ईडी इतनी सचेत है कि उसका मानना है कि उसे मामले की जांच को अंतिम पड़ाव तक ले जाने के लिए सावधानी बरतनी होगी, सबूतों को, गवाहों को, सभी को सुरक्षित रखना होगा। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि क्योंकि आरोपी बहुत ताकतवर और प्रभावशाली है, इसलिए गवाह को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। वहीं चिदंबरम का कहना है कि मामले में जांच एजेंसियां उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रही हैं। फिलहाल चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट के बाद सीबीआई कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। उनके रिमांड को 30 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बता दें कि इस मामले में पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम से भी पूछताछ की जा सकती है, जिन्हें फिलहाल मद्रास हाईकोर्ट से राहत मिली हुई है। नमस्कार दोस्तों, थोड़ी सी देरी के लिए क्षमा चाहूंगा। वी हैव ए स्टेटमेंट टू मेक एंड देन आई विल टेक क्वेश्चंस देयर आफ्टर। ओवर द लास्ट टू डेज इंडिया विटनेस्ड द ब्रॉड डेलाइट मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी एज ऑल्सो द रूल ऑफ लॉ by a government hell-bent upon using CBI and ED as personal revenge-seeking departments for the party in power as also those ruling the country. The vindictive, selective and malicious manner in which former finance minister and home minister Shri P. Chidambaram has been persecuted and prosecuted is nothing short of brazen, personal and political vendetta by Modi government. With the narrative on a sinking economy, spiraling out of their control, massive and unprecedented job losses, shocking devaluation of the rupee, as Asia's worst performing currency, an unfathomable crisis in all sectors of the economy, leading to shutting down of factories, businesses and trade, we now see the depths to which a desperate BJP government 2.0 will stoop to divert the attention of the country and its people. While the BJP propaganda machine, in cahoots with some puppet news channels, works desperately to churn out falsehoods, fake news and outright lies, the facts simply do not support their claim. And the facts are, the matter pertains to the year 2007. And the arrest has been made after a dozen years, that is in 2019, of Shri P. Chidambaram,
6 years after Prime Minister Modi came to power. Neither have those been arrested who have given the so-called FIPB permission, nor the company which has committed the crime, its officials have been arrested. And yet, a seasoned man with 40 years of dedication to public life has been arrested on the statement of a jailed woman who is being charged of murdering her own daughter. And the approvership statement has been given from jail. Two, neither Shri P. Chidambaram nor his son have been accused of any offense in the INX media case. Additionally, there is no offense disclosed against Shri P. Chidambaram in the first information report, nor a charge sheet has been filed till today. Three, Karthi Chidambaram, Member of Parliament and son of Mr. P. Chidambaram, has been raided a record 4 times. In connection with the same case, he has been arrested and released on bail. He has appeared in response to over 20 summons. Yet the investigating authorities seem to lack any evidence to present a charge sheet to the court placing evidence, if any, against Mr. P. Chidambaram. Four, the case, as I said, seems to rely on the testimony of one approver who is in prison and who is already being prosecuted for the murder of her daughter. What is the deal that has been done in prison with an approver or reliability is something that people of this country need to determine. Five, except for the blatant intent to humiliate and tarnish the reputation of Shri P. Chidambaram, there was neither any occasion nor any hurry to arrest him in the middle of the night by sending CBI and ED sleuths to his house. And there are some important issues here that needs to be seen. A, Shri P. Chidambaram is one of India's most respected economists and politicians. He has cooperated fully with the investigating authorities on every occasion. A senior advocate of the Supreme Court, he has the highest regard for the Constitution and has never evaded any proceeding, nor has he ever intended to. B, despite the hostile atmosphere prevailing under the patronage of the BJP government, there was no allegation against Shri P. Chidambaram vis-a-vis either influencing a witness or tampering with the evidence in any manner. In fact, the evidence, if at all it could be with the company concerned, the officials of which, not a single official of which has been arrested, and they continue to travel to and fro from India freely. So the person or the company accused of an offense is roaming scot-free. Persons who have given the approval of the FIPB have not been touched. And a person not concerned with grant of FIPB approval, and somebody who has dedicated 40 years of life to public service, has been arrested as if he is a criminal absconding the law, despite appearing multiple times before successive authorities. That is the poetic justice that this government continues to do. Six, after over 5 years of futile investigation for an alleged offense, as I said, that took place in 2007-08, the authorities are unable to come out with any clear or precise allegation or a compelling case against Shri P. Chidambaram. This only leads to one unmistakable conclusion. False charges are being heaped upon senior political rivals to silence anyone and everyone in this country. And seven, can the authorities answer and place even today
बिफोर द पब्लिक आफ्टर द पब्लिक्स एंड वॉयरिस्टिक स्पेक्टेकल दैट दे मेड ऑफ द अरेस्ट द नेचर ऑफ द चार्जेस अगेंस्ट श्री पी चिदंबरम इंस्टेड ऑफ एंगेजिंग इन ए मीडिया ट्रायल थ्रू सम सेलेक्टिव न्यूज चैनल्स टू कैरेक्टर असैसिनेट हिम We as a nation must rise up and refuse to be silent spectators to the death of democracy. We stand with Shri P. Chidambaram and reiterate our unwavering belief in his innocence.